हरिओम, मेरा नाम सरिता, मैं योग मनसा से। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि पूरे एनवायरनमेंट में भी जो कोरोना वायरस है, जो कोविड के जो वायरस है, वो एयर में भी अब आ चुका है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने जैसे कि हमने देखा है कि हम जब यज्ञ करते हैं या जब हवन करते हैं, तो उससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत क्लीन होता है, और जो भी वायरस है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वह सब हवन के जो धुआं निकलता है उसके द्वारा वह मरते हैं, क्योंकि ये एक तरह से थेरेपी भी है। यज्ञ थेरेपी भी इसको बोला जाता है। यज्ञ थेरेपी इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इसमें हम बहुत अलग अलग तरीके की सामग्री यूज करते हैं, और जब हम यज्ञ करते वक्त या हवन जब कर लेते हैं, उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारी नाड़ियों की शुद्धिकरण होती है। जैसे कि आप स्टीम लेते हैं, उसमें कुछ चीजें मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल या जो भी करते हैं, और आप स्टीम लेते हैं, तो सेम हवन जब हम करते हैं और उसमें बैठकर जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारे जो नाड़ियां हैं, जो हमारी जो नॉस्ट्रल्स है, वहां पे कहीं पर भी जो ब्लॉकेज होता है उसको शुद्धिकरण मिलता है। अगर हम इसे स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ करते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हमारी क्लेंजिंग होती है। इंटरनली भी, क्योंकि हम मंत्र उच्चारण जब करते हैं तो कई प्रकार के हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, या जहां पर भी हमारे कोई डेड सेल्स हैं, या जहां पर भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिन्स है, वह सब मंत्र उच्चारण से भी आपके जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव होती है। कह सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपकी बॉडी का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेशली ये जो सामग्री है जो हमने तैयार की है, ये पूरे एनवायरनमेंट को, एयर को क्लीन करने के लिए है। इसमें हमने नीम के पत्ते, कपूर, गुगल, घी और राई के दाने और सरसों के दाने, ये हमने इसमें मिक्स किया है। तो और आम की लकड़ी के साथ ही, यूजली जैसे संविधा भी कहा जाता है, उसमें हवन करते हैं। इसमें आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का 108 उच्चारण 108 बार आप कर सकते हैं। हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का हवन, शुरू करें। हमेशा आपको जब भी हवन सामग्री लेनी है तो इस तरीके से ही लेते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूरे 108 बार। इसमें मैं आपको सामग्री दोबारा बता देती हूँ एक बार, अगर कहीं पर मिस हुआ हो तो। इसमें आपको नीम के पत्ते, आपको कपूर, हवन सामग्री, समिधा जिसको आम की लकड़ी बोला जाता है, सरसों और राई के दाने, सेंधा नमक, घी, ये सब आपको इसमें मिक्स करना है। और मैं इसमें मेंशन भी कर दूंगी अपने जो उसमें डिटेल्स है कि आपको क्या क्या मिक्स करना है इसके अंदर। ये सब चीज़ें आप मिला के एक साथ आप जो है हवन करें, सामग्री को पूरा मिक्स करके जरूर हवन करें।
और जब ये हवन आपका जब ये पूरा जब हो जाए तो जो इसका धुनी निकलती है, जो इसका धुआं निकलता है, उस जो उस धुएं के साथ अगर आप बैठ के वहाँ पे प्राणायाम करते हैं तो आपके इंटरनल क्लेंजिंग होती है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। जिनको चेस्ट कंजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कोल्ड है, कफ है, उसमें आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। आशा करती हूँ कि आज की आपको मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी, जो भी हमने आपको बताया। हरिओम।